So friends, today I am discussing about numericals of delta and star connection. First, here you can see 300 ohm resistors are connected first in star and then in delta across 415 volt 3-phase supply. Calculate the line and phase current in each and also the power taken from the source. Means, आपके पास रेजिस्टर्स गिवन है एंड लाइन वोल्टेज. ओके, फर्स्ट स्टार में कनेक्टेड है एंड देन इन डेल्टा कंडीशन. कैलकुलेट करना है लाइन करंट, फेस करंट एंड पावर. ओके, फर्स्ट स्टार कनेक्शन. ओके, फर्स्ट कंडीशन है आपकी स्टार कनेक्शन. नाउ वी विल ड्रॉ डायग्राम. स्टार कनेक्शन रजिस्टर गिवन है, मीन्स रजिस्टेंस, देन रजिस्टेंस का सिंबल होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस. ओके, स्टार कनेक्शन आपको मैं डेरिवेशन में बता चुकी हूँ. देन आपको लाइन वोल्टेज गिवन है, मींस 415 वोल्ट. ओके, एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, 100 ओम एंड 100 ओम. ओके, दिस इज फेज, फेज, फेज मींस इसका वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज VPH, VPH एंड VPH. ओके, ये आपका फेज वोल्टेज होगा. फर्स्ट आपको लाइन करंट फाइंड करना है, IL, IPH एंड पावर. ओके, फर्स्ट आपने स्टार कनेक्शन की कंडीशन पढ़ी है, IL इक्वल IPH. ओके, IL इक्वल IPH एंड VL इक्वल रूट थ्री टाइम्स VPH. स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके इक्वल होगा, रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज की. ओके, मींस आपके पास लाइन वोल्टेज गिवन है, लाइन वोल्टेज है आपका 415 अपॉन रूट थ्री इक्वल VPH. आप इससे फेज वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं. देन फेज वोल्टेज होगा आपका VPH इक्वल 239.6 वोल्ट. ओके, मैंने इसे कैलसी से डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, देन दिस इज वोल्ट. ओके, नाउ वी हैव फेज वोल्टेज. फेज वोल्टेज इज 239.6 वोल्ट. ओके, देन वी विल फाइंड IPH. आपने V इक्वल IL फॉर्मूला पढ़ा है. ओके, अब आपको IPH फाइंड करना है, मींस दिस इज फेज, फेज एंड फेज. ओके, मींस ये सारी टर्म्स फेज की कंडीशन में होंगी. हियर आपके पास फेज की वैल्यू है 239.6 अपॉन RPH. RPH इक्वल IPH. आप इसे IPH फाइंड कर लेंगे, IPH इक्वल 239.6 एंड RPH मींस फेज रेजिस्टेंस. फेज रेजिस्टेंस आपके पास 100 ओम गिवन है, देन इससे आप फेज करंट फाइंड कर लेंगे, मींस फेज करंट इज 2.396 एम्पीयर. दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज करंट. ओके, I फेज इक्वल 239.6 एम्पीयर. अब हम यहाँ स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं. स्टार कनेक्शन में IL इक्वल आई फेज होता है, मींस जो वैल्यू फेज की होगी वही लाइन करंट की होगी. मींस IL इक्वल 2.396 एम्पीयर. दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइन करंट. ओके, देन we will find power. Power P equal, power का formula होता है P equal I square R. But यहाँ three phase की बात करते हैं, इसलिए three I square phase की बात कर रहे हैं, I square R. Okay? Then three into I phase आपके पास given है, हमने value find कर ली है. Then IPH is 2.396 square into RPH is 100, then P
power is 1722 watt. मैंने इसे डायरेक्ट एलसी से फाइंड कर लिया है. ओके, दिस इज द पावर बाय स्टार कनेक्शन. ओके, देन सेकंड कंडीशन इज डेल्टा कनेक्शन. डेल्टा कनेक्शन की कंडीशन में डेल्टा कनेक्शन. ओके, फर्स्ट वी विल ड्रॉ डायग्राम. डेल्टा कनेक्शन या रेजिस्टेंस के बने, देन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस. ओके, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज लाइन वोल्टेज VL इक्वल 415 वोल्ट. दिस इज 100 ओम 100 ओम 100 ओम. ओके, एंड जो इसका वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज होगा. दिस इज फेज वोल्टेज. ओके, एंड दिस इज फेज वोल्टेज. ओके, देन वी विल फाइंड लाइन एंड फेज करंट. अब हम डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं. डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज इक्वल होगा लाइन वोल्टेज की. मैं आपको ऑलरेडी डेरिवेशन में बता चुकी हूँ. ओके, वी फेज इक्वल वी एल. आप मेरा डेरिवेशन देख सकते हैं स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन का. वी फेज इक्वल वी एल. हियर VL आपको ऑलरेडी गिवन है, देन आप V phase फाइंड कर लेंगे. V phase इक्वल 415 वोल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज करंट. फेज करंट का सिंपल सा फॉर्मूला है VPH इक्वल IR. आप पढ़ चुके हैं V इक्वल IR. उसके अकॉर्डिंग IPH इक्वल VPH अपॉन आर पी एच. देन वी पी एच इज गिवन 415 एंड आर पी एच इज 100. देन आई पी एच इक्वल 4.15 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज करेंट. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज करेंट. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन करेंट. लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन. लाइन करंट आई एल इक्वल √3 इंटू आई पी एच. ओके, आई एल मीन्स लाइन करंट इक्वल किसके होता है √3 टाइम्स फेज करंट के इन डेल्टा कनेक्शन. देन आई एल इक्वल √3 इंटू फेज करंट की वैल्यू पुट करेंगे देन 4.15. देन IL इक्वल 7.18 एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइन करंट. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर. P इक्वल 3I² R. ओके, देन 3 इंटू हियर IPH. IPH की वैल्यू आपके पास गिवन है, देन 4.15 स्क्वायर इंटू आर पी एच इज 100. देन पी इक्वल 5166 वॉट. ओके, आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे. मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम